कि गलती आपसे बेटर कोई नहीं जानता। मैंने जिंदगी में क्या गलती की है मुझसे बेटर कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा। खुद से एनालाइज करो कि यकीन में पढ़ के सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जब क्वेश्चन यकीन बैच के आ रहे हैं, जब मास्टर तुमको एक क्वेश्चन ट्रेस करके दिखा रहा है 3 घंटे के अंदर, 2 दिन दे दो तो पूरा ट्रेस ही कर दूंगा। जब क्वेश्चन या तो रेप्लिका है, डेटा चेंज है, या तो सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है, कॉपी कॉपी चीजें आ रही है, फिर एनालाइज करो क्या गलती हुई। शायद टाइम कम दिया, शायद रिवाइज नहीं किया, शायद कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक रह गया, शायद बीमार हो गए इस साल, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। दैट्स अगेन फ्रॉम यकीन बैच। एनालाइज करो कहां गलती हुई है। बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स लिखते कह रहे मेरे 200 आए, 300 आए, मैं क्या करूं बेटा, आप कर तो रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो। आपको मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके पहले अटेम्प्ट में 100 नंबर आए, फिर एक और दिया उन्होंने तो शायद 450 आए, फिर दिया 650 आए, ऐसा भी होता है, या एक बार उनके 350 आए, अगले में 650 आ गए, ऐसा होता है। कि एक चीज जो मैंने शुरू करी क्या मैं उसे खत्म करूंगा, क्या आप जिद्दी हो इतना, इस एग्जाम की तो मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा बार बार, ये आपने दृढ़ता हो गई, ये मेरे को चैलेंज मिला है, इसको मैं नीचे लगा के जाऊंगा, ये मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा, अभी मेरे को प्रेशर फील होना स्टार्ट नहीं हुआ, और कितना दे सकता है। ये होता है कि आप उसको एक चैलेंज की तरह दृढ़ता अपने आ जाती है कि इसको मैं खत्म करूंगा, ये हारेगा मैं नहीं हारूंगा इसे। हम एक चीज को एक बार पढ़ते थे और अपने आप को सुपर जीनियस समझ के उस चीज को छोड़ देते थे। मैंने उस दिन भी आपको इस बीच पे एक लंबा लेक्चर दिया था, बहुत टाइम वेस्ट होता, टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस आपको बार बार मैं एक ही चीज रिमाइंड करा रहा हूं कि रिवाइजिंग, अपने दिन का एक टाइम बना लो जिस टाइम आपको प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है, अभी लास्ट में क्या आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अब अगर आप मेरे से पूछोगे मैं क्या करूं, तो सबसे पहले अपने मार्क्स देखो, फिर ये पहचानो आपके वीक टॉपिक क्या थे, किन टॉपिक्स में ज्यादा दिक्कत हुई आपको, और फिर सारे नहीं दिक्कत थी, ऐसा नहीं था कि बायो आपको आती थी, मतलब 340 अगर आपके आ गए और फिर भी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका बायो में भी कुछ कमी था, तो आपको वो भी करके चलना है। सेकंड होता है डिसिप्लिन, कि हर दिन आप में वो हिम्मत हो कि मैं अपने बेड से उठूंगा और उसी बड़े चैलेंज से युद्ध करूंगा, क्या ये डिसिप्लिन है। एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने का डिसिप्लिन नहीं, क्या सालों भागने का डिसिप्लिन है। और वही मैंने एक बार आपको अगर पुराना याद हो आज से साल भर पहले कहा था, अगर डिसिप्लिन की कमी है तो अपने जो बर्तन जिसमें आप खाना खाते हो उनको बस धोना स्टार्ट कर दो, एक छोटा काम, ब्रश नहीं करते हो रोज रोज ब्रश करना स्टार्ट कर दो, एक ऐसा काम जो बहुत छोटा उसको रोज करना स्टार्ट कर दो, तो आप अपने ऊपर से ये लेबल हटा पाओगे 30 दिन बाद, यार मैं नालायक नहीं हूं अपनी प्रीवियस हिस्ट्री देख के, मैं अगर चाहूं तो हाँ मैं एक चीज को बार बार कर सकता हूं, वहीं से शुरुआत होती है, वो छोटे काम को फिर धीरे धीरे बड़ा करता जाएगा। सवाल नहीं बने, एक काम क्यों नहीं बने, सर नहीं बनाए थे, बनाए थे, डीपीपी नहीं सॉल्व की थी, कहां लैग कर गए, रिवीजन में लैग कर गए भाई साहब हम। तो पहला दृढ़ता, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा होता है राइट पाथ, आपको पता हो पढ़ना क्या है, रिसोर्सेस क्या है, और कब कैसे पढ़ना है, और हाँ अगर मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो मैं डेफिनेटली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूंगा, ये बताने वाला आपको कोई व्यक्ति मिल जाए या आप ढूंढ लो, तो आप उसको छोड़ दो और दोबारा से बिना टाइम वेस्ट किए एक नई एनर्जी से पूरे एफर्ट के साथ लगो। हम लोग आपके साथ लगने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ ये जर्नी छोटी नहीं होगी, ये बहुत लंबी जर्नी होगी, बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आपका टेस्ट में स्कोर कम आएगा, या कई बार आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपका एकदम दिन ऐसा गया है कि कुछ भी नहीं पड़ा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। इन सभी दिक्कतों का, प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ मोटिवेशन। अपने पास अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में इस बात को लिख कर रख लो कि 2022 के नीट में हम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेंगे, हम 600-650 प्लस का स्कोर निकालेंगे और एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करेंगे, और मतलब अपने पेरेंट्स का और अपना खुद का जो एक ड्रीम है उसको कंप्लीट करेंगे। इस बात को कहीं नोट करो, उसको देखते रहना है, उसको मतलब देखकर मोटिवेट होना है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम भर भर के मैसेज आते हैं, मेरे पास भर भर के मेल आते हैं, सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। तो दृढ़ता, डिसिप्लिन और राइट पाथ अगर आपके पास है जनाब, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति जो आप सोचते बहुत बेहतरीन अपना परफॉर्म कर रहा है, वो पिछले 2 या 3 सालों से जनाब हर दिन के 6, 7, 8, 10 घंटे उस पर्टिकुलर चीज पे डिसिप्लिन के साथ, दृढ़ता के साथ लगाए जा रहा है विद राइट गाइडेंस। क्या ऐसा है कि इस कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शन निकलते हैं, कोई आप नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, कोई चीज लिख देते हो,
तो उसको ना देखना मतलब नजर चुराना होता है, क्योंकि एफर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको देखकर मोटिवेट होते रहोगे तो जरूर लिखो और उसको करो। आपके साथ हैं हम लोग, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी एग्जाम में जो आपको पढ़ाई भी नहीं होगी, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस। आपको 100% सब कुछ वही आएगा जो हमने पढ़ा दिया। तो बस मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लान आपसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक रिवीजन जैसे हम लोगों को फील हुआ लास्ट में जाके कि और रिवीजन कराना था, तो हम अगर ऐसा फील कर गए तो हम आपके लिए और रिवीजन कराएंगे। पर आपको कितना करना, लगे रहना बेटा, लास्ट तक लगे रहना, टेस्ट जरूर देना। मैं बेटा आपके सभी बच्चों के अंदर क्या चल रहा होता है, जब रिजल्ट आता है तो बहुत खराब फील हो रहा होता है, मतलब मन नहीं लगता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसे छोड़कर, इसे ही कहते हैं कि जो डिफिकल्ट पीरियड होता है उसे ओवरकम करना होता है, उसी को ओवरकम करके, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके, क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रांग चीज होती है। जब आप उस पर कंट्रोल ले आते हो, उसको कंट्रोल करके सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो, आप कर पाओगे। मोटिवेशन तब तक ही आपके लिए फायदेमंद है अगर आप उसमें से वैल्यू देख रहे हो कि हाँ यार मेरे गोल की ये वैल्यू है, और आप अवेयर हो रहे हो और उससे आपको पता चल रहा है ये फैक्ट है, ये लॉजिक है, और इसलिए मुझे पढ़ना है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो या ICSE बोर्ड के हैं, तो जिनके 70% हो, 65% हो, और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे। और कुछ लोगों के लिए, बहुत चुनिंदा लोगों के लिए इमोशनल लेवल पे मोटिवेशन बहुत फायदेमंद हो जाता है, जब वो अपने घर की खराब परिस्थिति देखते हैं या पर्सनल लेवल पे अफेक्ट होते हैं, कोई चोट लगी होती है और अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ मुझे अब इस लेवल को जनाब अचीव करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है या किसी और को प्रूव करके दिखाना है। हर एक का यार अपना अपना मोटिवेशन का हो सकता है कि तुमको करना है, किसी और को करना है, एवरीथिंग इज फाइन। चाहे आपकी गाड़ी पेट्रोल से चले, डीजल से चले, CNG से चले, केरोसिन से चले, जब तक चल रही है वो बढ़िया। तो ये जो आपका समय चल रहा है इसको स्ट्रगल नहीं समझो, ये मेरा स्ट्रगलिंग फेज है, मैं इसको लाइफ जी रहा हूं, स्ट्रगल नहीं। जिंदगी की खुशियां छोटी छोटी चीज है, ठीक। आज आपके पास मान लो आपका स्कूल मैटर नहीं करेगा, कॉलेज आपको एक एज देगा, क्योंकि उस कॉलेज से पैच निकल आपने मेहनत करी, तो आपको मेहनत करनी आती है, आप डिसिप्लिन हो, आपने दृढ़ता है, राइट। तो जनाब वो आप में ट्रेड होते हैं, इसलिए आप जिंदगी में और आगे अच्छा भी करते हो और अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। बस किसी और को जलाने के चक्कर में खुद को मत जला लेना, इतना ध्यान रखना। अपनी 20s के अंदर जो आप एग्रेसिवली ग्रो करोगे ना, आप 30 की उम्र में आप उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो।